इंदौर में पर्यावरण प्रदूषण को सुधारने की दिशा में नगर निगम नवाचार करने में जुटा है, जिसके चलते अब ई बसों के संचालन पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में एक और खुले चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया गया है, ताकि आसानी से बसों की कनेक्टिविटी और चार्जिंग के काम में सुगमता आए। साथ ही इससे अन्य लोगों को भी ई वाहन का उपयोग करने की प्रेरणा मिले। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। पर्यावरण प्रदूषण से इंदौर को मिलेगी मुक्ति, ई वाहनों को बढ़ावा दे रहा इंदौर नगर निगम। महापौर पुष्य मित्र भार्गव ने दी एक और सौगात, खुले चार्जिंग स्टेशन का महापौर ने किया शुभारंभ। इंदौर की सिलिकॉन सिटी में खुला चार्जिंग स्टेशन शहर में संचालित 40 इलेक्ट्रिक सिटी बसों हेतु अपॉर्चुनिटी चार्जिंग स्टेशन के रूप में कार्य करेगा। सिलिकॉन सिटी से 3 इमली के मध्य 10 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाता है। पूर्व में ये बसें राजीव गांधी चार्जिंग स्टेशन से चार्ज होती थी। नए चार्जिंग स्टेशन से अब ये बसें इंटरमीडिएट चार्ज हो सकेंगी, जिसका शुभारंभ महापौर पुष्य मित्र भार्गव ने किया। स्वास्थ्य समिति के हमारे MIC में अध्यक्ष अश्विनी शुक्ल जी, अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड के सभी पदाधिकारी, मित्रवर पारस जी, सम्मान माला देवी, यहाँ उपस्थित सिलिकॉन सिटी के सभी प्रबुद्ध नागरिक, हमारी ओम शांति की सम्मानीय अतिथि, इंदौर के लिए बहुत हर्ष की बात है कि आज सुबह हमने माधव कन्या परिसर, जो इंदौर में माधव कन्या स्कूल है, उसके परिसर में एक एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया है, जिसका उद्घाटन करके हम सीधे यहाँ आ रहे हैं। उसमें PM2.5 कार्बन मोनोऑक्साइड और ब्लैक कार्बन को रीड करके एयर क्वालिटी का इंडेक्स बताने का वो काम करेगी, ताकि इंदौर के पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। लेकिन वो तो मॉनिटरिंग करेगी, प्रदूषण कम हो इसका सबसे बड़ा प्रयास था कि हम अपनी गाड़ियों को CNG और ई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में कन्वर्ट करें। तो इंदौर नगर निगम के AICTSL के तत्वावधान में करीब 48 बसें इलेक्ट्रॉनिक बसेस हैं, जिनको हम ईवो कहते हैं। तो बसें तो आ गई, लेकिन उनके चार्जिंग स्टेशन भी ज़रूरी थे। तो ये सिलिकॉन सिटी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, यहाँ से चलने वाली बसें अब यहीं से अपना इलेक्ट्रिक फ्यूल लिया करेंगी। इसके लिए आपको बधाई शुभकामनाएँ, और आने वाले समय में हम चंद्रशेखर आज़ाद चौराहे पर, जिसको हम चंद्र नगर कहते हैं, वहाँ और अगला खजराना से जो बसें चलती हैं वहाँ इस प्रकार के स्टेशन लगाने का काम करेंगे। दूसरा, यहाँ से तेजाजी नगर जाने में कई लोगों को बहुत समस्याएं रहती हैं, तो मैं ICTCL के अधिकारियों को और CEO को भी ये निर्देश जारी करूँगा, यहाँ से तेजाजी नगर की कनेक्टिविटी के लिए बसें चालू करें। यह चार्जिंग स्टेशन DC फास्ट 120 किलोवाट क्षमता का है, जिसमें 2 गन के माध्यम से एक बार में 2 बसों को चार्ज किया जा सकता है। वर्तमान में 120 किलोवाट क्षमता के 13 चार्जर राजीव गांधी डिपो पर और एक हवा बंगला पर संचालित है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।